हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, दिल दिल तिरंगा, दिल दिल तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर दिल तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, जान जान तिरंगा, जान जान तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर हमारी शान, हमारी शान तिरंगा, हमारी जान तिरंगा, हमारी पहचान तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। का जो अभी मुहिम चल रही है उसकी शुरुआत अब हो गई है, कई सारी जगहों पर आप देख रहे हैं खुद लोग जो है झंडे बना रहे हैं और आपने भी जाना चाहेंगे, क्या कुछ अभी इस बारे में आप देखिए। मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि आज हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने एक आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा एक मुहिम जो चली थी, आज ये मुहिम उस स्टेज पे पहुंच गई, अब लोग खुद से ही तिरंगा लेने आ रहे हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर ऑफिस है यहाँ तिरंगे काम पड़ रहे, और डिमांड इतनी ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि ये खाली मुहिम नहीं रही, अब लोगों ने इसको त्यौहार की तरह अब इसको मनाना शुरू कर दिया, और आप देखिए नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर जहाँ से भी आप देखिए तिरंगा रैलियाँ निकल रही, और लोग खुद अपने ये मकान है उनके छतों पर तिरंगा लहरा रही है, और जो रिस्पॉन्ड हमें मिला है ये रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा जो हमारी भावनाएं थी या जिसका जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़कर आज जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के लोग तिरंगे से प्यार करें, और तिरंगे का जो एक चलन यहाँ चला है आज हर किसी इसी दौड़ में लगा हुआ है कि मैं ही सबसे पहले तिरंगा लहरा हूँ, और आज जो हमारे पास लोगों की एक कतार से लगी आपने देखा आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पर भी बड़ी हमने हज़ारों की तादाद में यहाँ जो तिरंगे हैं वो लोगों को दे दिए हैं, और हर कोई चाहता है मैं तिरंगा लहराऊँ, और 15 अगस्त तक हर कोई इसी दौड़ में है कि जल्द से जल्द मैं ही तिरंगा अपने छत पर लहराऊँ। तो इस बारे में किसी को कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, देखिए ये इसमें किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मोदी जी का आह्वान है, और मोदी जी के आह्वान पे लोग आगे बढ़ करके उस जो वो आह्वान करते हैं उसको पालन करते हैं, और यही सेम कश्मीर में भी हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एक खुद रजाकाराना जो ये आह्वान उन्होंने किया था जो अपील की थी उसमें लोग अब खुद सामने आ रहे हैं, कोई इसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन स्कूल बच्चों से लेकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी हो या किसी भी कास्ट किसी भी ट्रेड किसी भी तरह के चार लोग जुड़े हुए हैं वो आज तिरंगा ले रहे हैं, और तिरंगे की डिमांड इस हद तक बढ़ गई है कि अब तिरंगे भी कश्मीर में काम पड़ने जा रहे हैं। तो आज जो मुहिम हमने शुरू कर दी वो एक त्यौहार जैसे ईद होली दिवाली की तरह जैसे त्यौहार मनाते हैं, आज इस मुहिम को लोग त्यौहार की तरह मना रहे हैं। सर हाल ही में अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए अपने कौमी झंडे के साथ साथ 5 अगस्त को लेकर जो है महबूबा मुफ्ती ने जम्मू एंड कश्मीर का जो झंडा था वो भी उसके साथ में रखा, और ये कहा कि हम देश के झंडे की भी कदर करते हैं लेकिन साथ साथ में जो हमारा अपना झंडा है उसकी भी कदर करते हैं। आपने वो फोटो देखी होगी, आप क्या कहेंगे? महबूबा की तमन्ना है गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जैसे 370 पे उन्होंने अभी बोलना शुरू कर दिया वापस आए, लेकिन मुर्दे कभी वापस नहीं आए थे, इसलिए जो झंडा था एक विधान एक प्रधान एक निशान ये भारत की पहचान है, जम्मू कश्मीर की पहचान है, एक देश में दो झंडे नहीं होते हैं, एक मुल्क में विदिन सब कंट्री नहीं होता है, हमारा तिरंगा है, और महबूबा जी की तमन्ना है अपनी तमन्ना पूरी करी, लेकिन आज महबूबा जी की आंखें भी खुल गई, जिस तरह तिरंगे को रेस्पॉन्ड मिला है थ्रू आउट कश्मीर, जैसे हम देखें हर जगह तिरंगा रैलियाँ ले रही है, चाहे बारामूला हो शुपियन हो कुलगाम हो, हर जगह तिरंगा लोग शौक से लहरा रहे, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया है, और तिरंगे की डिमांड तिरंगे की मांग इस हद तक है कि तिरंगे कम पड़ रहे हैं, महबूबा जी अपना झंडा लहराए जो उसका झंडा है, लेकिन हिंदुस्तान का एक ही झंडा है, जम्मू कश्मीर का एक ही झंडा है, वो तिरंगा झंडा है, महबूबा जी गले मुड़े उखाड़ने की पुरानी आदत है, कहीं ना कहीं वो इशू हाईलाइट्स में रहना चाहती, लेकिन भारत का झंडा जो ट्रिकलर पर है वो जम्मू कश्मीर का झंडा है, एक विधान एक प्रधान एक निशान, एक मुल्क में एक ही झंडा चलता है, एक मुल्क में एक ही कानून चलता है, यही भारत की फिलासफी और यही भारत चाहता है और यही जम्मू कश्मीर भी चाहता है।